टोटल वर्क किस चीज का हो रहा है यहाँ पे, हमें वो बता दे। लेकिन स्टॉक हमको ज्यादा करना पड़ता है और समय कम मिलता है उधर, मार्केट की अपेक्षा यहाँ पर भाव कम भी मिले। क्या वो आपसे इस काम को सीख सकते हैं? भाइयों, आज हम आए हुए हैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, एक हुसैनी नाम से जगह है वहाँ पे। ये आपके बिल्कुल इंडस्ट्री हाईवे के पास में है, यहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर भी है। और आज हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं कि भाई, जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, यहाँ पर मूर्ति मेकिंग का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो मूर्तियों से रिलेटेड हम पूरी जानकारी लेंगे, अंदर चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। तो मनोज जी, स्वागत है आपका श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल में। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बता के चलें और आपका क्या क्या काम कहाँ पर ये हो रहा है उसके बारे में हमें डिटेल बताएं। हम निवासी हुसैनी के हैं और अपने छोटे से गांव में अपना ये कारोबार है और वैष्णो देवी मंदिर के पास में। मैं आपको लोकेशन के लिए बता देता हूँ, सामने ही कान्हा जी स्वीट है और उसके सामने यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख रहे होंगे लगभग आधा किलोमीटर के एरिया में भैया की ही वर्किंग चल रही है यहाँ पे। तो मनोज जी, अपने पास टोटल वर्क किस चीज का हो रहा है यहाँ पे, हमें वो बता के चला। अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा गणेश जी और दुर्गा जी और दीपावली का काम होता है, लक्ष्मी गणेश जी। और ये मूर्तियों के क्या क्या साइज रहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। अगर सर, अपने यहाँ पर 6 इंची से लेकर के 9 फीट तक की मूर्ति तैयार की जाती है। अभी हम जैसे ये माँ दुर्गा की मूर्ति देख रहे हैं, इनका क्या साइज है? 4.25 फीट। ये जो मूर्तियाँ बना रहे हो, जैसे कि इस तरफ हमें दिख रही हैं सिर्फ माँ दुर्गा की मूर्तियाँ, तो ये सीजन के हिसाब से आप बना के चलते हैं? अपना सीजनिंग का काम, मतलब सीजन। लेकिन स्टॉक हमको ज्यादा करना पड़ता है और समय कम मिलता है उधर, बारिश वारिश होती है, इस वजह से पहले से स्टॉक करना पड़ता है। अच्छा, अभी जैसे कि नवरात्रि आने वाले हैं तो यहाँ पर मूर्तियों का काम बहुत तेजी से चल रहा है, माँ दुर्गा की बहुत सारी मूर्तियाँ रेडी हैं। तो भैया, यहाँ पे जो आप मूर्ति बना रहे हैं, तो किसी के ऑर्डर आते हैं या फिर आप पहले से बना के रखते हैं? होलसेल का काम है, और रिटेल भी है और होलसेल दोनों चल रहा है। मतलब हमारे कुछ भाई अगर आपसे होलसेल में मूर्ति परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं। अच्छा, तो अभी आपके यहाँ से कहाँ कहाँ पे मूर्तियाँ सप्लाई हो रही हैं? अपने यहाँ से दिल्ली और इटावा, मैनपुरी, कानपुर जी जी और एटा, लगभग 300 किलोमीटर एरिया में चलता है। आप एक बार जरूर आए, विजिट करके देखें, अपना ऑर्डर यहाँ पर नोट कराएं, पेमेंट करें, उसके बाद यहाँ से आपके यहाँ माल भेज दिया जाएगा। लेकिन ये थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, तो इनको भेजने के लिए क्या पैकिंग वगैरह अच्छे से करी जाती है? पैकिंग की जाती है, क्यों नहीं सर। और रिटेल में जो आदमी मूर्ति लेना चाह रहा है तो वो 1-2 पीस आपसे ले सकता है? ले सकता है, वो यहाँ पे आके ले सकता है। और मार्केट की अपेक्षा यहाँ पर भाव कम भी मिलेगा। अच्छा अच्छा, अब जैसे कि हमारा कोई भाई है तो वो इस काम को स्टार्ट करना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ मूर्तियाँ सेल होती रहें, तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी उसको कि भाई आपके यहाँ से माल जा सके? नहीं सर, ऐसा है कि अपनी अपनी जगह का माहौल का फर्क होता है। किसी जगह बड़ा की मार्केट होती है बड़े माल की, किसी जगह छोटे माल की मार्केट। अच्छा भाइयों, ये चीज देख के चल रहे हैं, मनोज जी का कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आपको एक बार में 10,000 का, 20,000 का या 50,000 का माल ऑर्डर करना है। आपके यहाँ जैसी सेल हो आप उस तरीके से माल ले सकते हैं। मनोज जी, हमें और मूर्ति दिखा दीजिए। तो भाइयों, जैसा कि आप देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर भी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, कई सारे कारीगर लगे हुए हैं जो इस काम को करके चल रहे हैं। जैसा कि हम इधर देख रहे हैं, हमारे मोनू भाई साहब हैं, इटावा से आए हुए हैं और यहाँ पर ये मूर्तियों को आकार देने का पूरा काम करके चलते हैं। तो मनोज जी, जैसे कि मान लीजिए ये गणेश जी की मूर्ति हमारा कोई भाई लेना चाहे तो उसको कितने रुपए की मिल जाएगी? ये सर, मूर्ति का अलग अलग प्राइस होता है। कोई मूर्ति ऐसी भी होती है उसकी हाइट कम होती है लेकिन आकार चौड़ा होता है, तो उसकी प्राइस अलग होती है और हाइट के हिसाब से अनुमान नहीं लगाया जा सकता सर। अच्छा अच्छा, आप जब भी आते हैं तो अपना साइज सेलेक्ट कीजिए, अपनी डिजाइन सेलेक्ट कीजिए, अपना कलर सेलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से आप मनोज जी से बहुत आसानी से परचेज कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप यहाँ से मूर्ति परचेज करके चल रहे हैं तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे के चलता हूँ कि मार्केट रेट से आपको बहुत कम रेट की पड़ने वाली है। उसके अलावा मनोज जी, इस तरफ हमें दिख रही है गणेश जी की काफी बड़ी मूर्ति रखी हुई है, ये जब गणपति विसर्जन वगैरह होता है उस समय के लिए आप बना के चलते हैं सर। जैसा कि आप देखकर चल रहे हैं भाइयों, यहाँ पर गणेश जी की कई सारे साइजेस की मूर्ति लगी हुई है, उधर माँ दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है, और दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाइयों, गणेश जी की कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। मनोज जी, इसमें तो कई सारे पार्ट लगता है, अलग से अटैच किए जाते हैं। अलग से, जैसे ये हाथ है या सूंड है, वो अलग से अटैच किया जाता है। और फरमा से निकलने के बाद में इसकी रिपेयरिंग भी की जाती है।
मनोज जी एक बार हमें ये और बता के चलिए कि इसको जो बनाना जाता है मूर्तियों को, तो मुख्य क्या क्या सामान का यूज किया जाता है? पीओपी और नारियल की जटे से बनती है। सिर्फ दो मटेरियल यूज होते हैं, पीओपी उसको आकार देने के लिए, हार्डनेस के लिए, और जो नारियल का ये रेसा यूज किया जाता है ये उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वो टूटे ना आसानी से। यहाँ पर काम इतनी अच्छी से किया जाता है और इतनी हैवी क्वालिटी का काम किया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से मूर्ति लेके जाते हैं सालों साल के लिए आप फ्री हो जाएंगे। मनोज जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे कोई भाई अपने घर के लिए मूर्ति लेके जाता है, लगभग कितनी लाइफ रहती है एक मूर्ति की? सर बारिश से पानी ना गिरे तो काफी लंबा टाइम चलता है, और बारिश पड़ने से थोड़ा मतलब फर्क बैठता है। मनोज जी सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस मूर्ति को बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है? सर ये जैसे पीओपी का होल्ड रखा हुआ है, इसमें अब ये रबड़ का डाई होती है हमारी। अच्छा, ये जो तैयार जो रखा हुआ है ये पीओपी का मोल्ड है, पहले से बना हुआ है। और इस मोल्ड में और आपने ये रबर की डाई है ये फिट कर दी। अच्छा, ये रबर की डाई आपको कहीं से मंगानी पड़ती होगी? नहीं सर, स्वयं बनाते हैं सर। अच्छा, ये रबर की डाई, रबर का लिक्विड आता है और बाकी की हमारे हाथ की कारीगरी है। अच्छा, किस तरह से कहाँ कैसे क्या करना है, क्या बनाना है आपको। हाँ, है? इसके बाद यहाँ पे फिर पीओपी वगैरह घोली जा रही है। ये पीओपी घोलने के बाद इसमें लगा दी जाती है? हाँ, पूरे में छिंटा मारे जाएगा। जी जी, फिर नारियल के जटा लेकर के पूरी मूर्ति में छपाई की जाएगी जिससे की मूर्ति स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, इसको लगभग सूखने में कितना समय लग जाता है? इसमें लगभग 30 मिनट। अच्छा, 30 मिनट के अंदर वो मूर्ति बन के बाहर निकल आएगी। और जब मूर्ति पूरी तरह से सूख जाती है, जैसे कि आप धूप में रख दी गई हैं, तो पूरी तरह से सूख जाती है, उसके बाद फिर उसमें रंगाई का काम है, फिर फिनिशिंग का काम होता है, मतलब टेंडिंग बेंडिंग कहीं टूटी ना हो, रिपेयरिंग की जाती है अच्छे से। अच्छा, उसके बाद में कलर पेंटिंग। मतलब एक मूर्ति को बनने में लगभग अगर समय देखा जाए तो कितना? 15 दिन। 15 दिन का समय लगता है? 15 दिन। अगर एक को तैयार कर लें चाहे 50 को तैयार कर लें, 15 दिन। 15 दिन लगेंगे, वो एक प्रोसीजर है जितना वही टाइम लिमिट लगनी है, पूरी तरह सूखना, कलर होना, उसमें समय लग जाता है। मनोज जी एक चीज और जानना चाहूंगा कि पूरे भारत से हमसे ऐसे भाई लोग जुड़े हुए हैं जो खुद का अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं, और ऐसी कंडीशन में क्या वो आपसे इस काम को सीख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं सीख सकते। अच्छा, हाँ। तो उसका क्या चार्ज रहता है? कोई निःशुल्क सेवा। भाइयों देख रहे हैं, मनोज जी इस काम को सिखाने का कोई पैसा नहीं लेके चलते। मनोज जी का कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर तो दिख ही रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इस मूर्ति कला को सीख सकते हैं। उसके अलावा आपको जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ये रबर के मोल्ड हो गए और अलग मोल्ड हो गए, मेरे यहाँ मिलता है, वो सब आपको मनोज जी के यहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है मनोज जी, ये हमारी मूर्ति बन गई, इसके आगे का जो काम रहता है, जो कलर का काम, हमें वो भी दिखा दीजिए। सर सर कलर कंप्रेसर से किया जाता है। अच्छा जी। और कलर क्या सिंगल कोड किया जाता है या कई सारे कोड वगैरह करने पड़ते हैं? कई कोड चलते हैं। मनोज जी अभी कितने लोगों की टीम है आपकी जो ये सारे काम को करके चल रहे? 15 से 20 लोग। अच्छा, ये जैसे कि मान लीजिए पूरा कलर का काम हो गया, इसके बाद फाइनल मूर्ति इस तरह की तैयार हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, कलर के अलावा भी मैं यहाँ पे देख के चल रहा हूँ कि मूर्ति के साथ और भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे चुन्नी है, मुकुट है, ये सारा सामान आपके पास से मिलता है? पहनाए जाते हैं। अगर कोई भाई आपसे कांटेक्ट करके चलता है, मूर्तियाँ लेके जाता है, तो उसको अपने पास से कुछ नहीं करना, जो मिलेगा उसको पूरा कंप्लीट मिलेगा, उसको जाके बस सेल करना है, लास्ट फाइनल इस तरह से पॉलिथीन वगैरह पैक करके भाई सेल के लिए आगे भेज दी जाती हैं। जैसा कि आप देखकर चल रहे होंगे कि कई सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं भाई, जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, जो मूर्ति सेल करने का काम करके चलते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं और यहाँ से बड़े पैमाने पर मूर्तियों को लेके जाते हैं। मनोज जी एक चीज और जानना चाहूंगा, मान लीजिए मूर्ति का काम थोड़ा सीजनेबल हो गया, उसके अलावा और क्या पीओपी का प्रोडक्ट बनता है आपके यहाँ कि भाई जो हर समय हर व्यक्ति जिसको परचेज कर सके? सर अपने यहाँ मकान में जो सीलिंग में फूल वगैरह लगते हैं लेंटर में, जी वो उसका भी काम होता है। तो जो पार्टी खुद अपना मकान बनवा के चल रही है, वो लोग भी आते होंगे लेने के लिए, और कुछ ठेकेदार वगैरह भी आते हैं, जो पीओपी के ठेकेदार है वो लेके जाते होंगे। भाइयों इस तरह के मोल्ड एक नहीं, यहाँ पे आपको 20 डिजाइन मिलेंगी, छोटी से बड़ी,
तो मनोज जी, हमारे भाइयों को इतनी जबरदस्त जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके चलूंगा कि अगर आपको वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अगर आप मूर्ति सेलिंग से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, मनोज जी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भाई इस मूर्ति कला को सीखना चाह रहा है, भाई ये भी बड़ा पुण्य का काम है कि आप किसी भक्त को उसके भगवान से मिला देते हैं। अगर आप इस काम को सीखना चाहते हैं तो आप मनोज जी से कॉन्टेक्ट करके चल सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये अभी फिलहाल इस काम को सिखाने का कोई पैसा नहीं लेके चल रहे। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।